हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने वेयर किया हुआ लहंगा ग्रीन और पिंक कलर का लहंगा है, काफ़ी अच्छा है। और ये वाला जो मेकअप लुक है ना, काफ़ी कम बजट में है, काफ़ी ईजी स्टेप है। और यहाँ पर मैंने विग लाइनर भी ड्रॉ नहीं किया है। आई शेडो में मैंने बस दो कलर अप्लाई किए हैं, दो या तीन। काफ़ी अच्छे से आप मतलब इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, मैं आपको बता दूँ कि बजट में है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जब भी मैं वीडियो डालूंगी ना तो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। और वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, वहाँ पर मैंने अपना पूरा आउटफिट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखाया, ये भी नहीं थोड़ा बहुत, काफ़ी अच्छे से दिखाया। अभी थोड़ा सा मैं दिखा दूँगी जस्ट क्लोजअप कि आप लोग देख लो कैसा लग रहा है। लेकिन एंड में बहुत ही अच्छे से मैंने लास्ट में आप लोगों को ड्रेस और ये वाला लुक दिखाया ताकि आप लोग देख सको कि कैसा लग रहा। तो ये रहा मेरा पूरा आउटफिट, लास्ट में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा, तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फ्रूट क्रीम, जो आपको मार्केट में आराम से 10 या 20 रुपीज़ की मिल जाती है। इसको अच्छे से लगाना है, अपने पूरे ही फेस पे अप्लाई करना है, और कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ NYB का कंसीलर। इससे क्या होगा ना, ये काफ़ी कहते हैं ना इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा ना, आई शेडो लगाओगे ना काफ़ी अच्छे से उभर कर आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो फाउंडेशन है ना, आप वो लगा सकती हो। और इसके बाद पॉन्स का 10 रुपये का 20 रुपये का पाउडर मार्केट में मिलते ही है ना, बस उसको हल्का सा लगा के सेट कर लेना, ताकि जो कोई मतलब आई शेडो आप लगाओ ना तो उसमें भी कोई भी लाइन टाइप का ना बन जाए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जैकलिन का हील पैलेट, काफ़ी कम बजट में, काफ़ी सेड आपको इसमें मिल जाते हैं, 30 शेड मिल जाते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजिशन शेड पिक किया, ऑरेंज टाइप का है। इससे क्या होता है ना, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें आई शेडो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना। अगर आप डार्क शेड अप्लाई कर दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इधर उधर हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिया हाफ एंड हाफ का पैलेट, इसमें से मैंने ये वाला सेट पिक किया है, जो मैं सोच रही थी कि मेरे दुपट्टे से मैच कर जाए, लेकिन ये पर्पल टाइप का आ रहा था तो एक पिंक लाइट शेड था। उसके बाद ये वाला मैंने कहा इसको लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा मेरे दुपट्टे से मैच कर जाएगा और कॉम्बिनेशन भी अच्छा आ जाएगा। बस अगर मैच हो जाता है ना पहला वाला कलर तो मैं इसे ना अप्लाई करती, बस दो ही कलर मैं अप्लाई करती, एक ही कलर, क्योंकि एक तो ट्रांजिशन था दूसरा ये। तो बस इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे मैं NYB का लाइनर लगा रही हूँ, जो आपको 52 रुपीज़ के 52 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है। विग लाइनर नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि सिंपल सा मेकअप लुक कर रही हूँ जिसे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस इस तरीके से हम लाइनर अप्लाई कर लेंगे। ये देखें, ब्लू हेवन ब्रांड तो आप जानते हो, उसका प्राइमर भी जानते हो, बजट में भी है, 250 में आराम से मिल जाता है। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो एलोवेरा जेल, ठीक है। इसके बाद हम लगा रहे हैं मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मैं इसलिए इसमें ली हूँ कि अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है, ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या लीजिए, स्पंज लीजिए, बस इसको इधर उधर चलाइए, काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड होता जाता है, आपको ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन लोगे ना तो आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो फाउंडेशन जो होता है ना थोड़ा सा थिक होता है और आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे इसी वजह से। और यहाँ पे फिर से हमने पॉन्स का लिया है पाउडर, और इसको अच्छे से ही हम लगा रहे हैं इस तरीके से अपने आई के नीचे यहाँ पर, और उसके बाद लगाने के बाद इस तरीके से हम घुमाते हुए निकाल देंगे। आप चाहो तो स्पंज आते हैं ना, आप उससे भी लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो बस हल्के हल्के से आपको सेट कर लेना है बस। और इसके बाद हम अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं वही जैकलिन पैलेट में से ब्राउन शेड, और हल्के हल्के से अपनी आईब्रो को फिल कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, ये पाउडर है, गर्मी का टाइम है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इससे क्या होता है ना, ये पिघलता नहीं है, बहता नहीं है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी देर तक ये टिका भी रहता है। अधिकतर मैं इसी को ट्राई करती हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही SQ का वाइट काजल। इससे क्या होता है ना कि आप लगाओगे ना आपका लुक ही चेंज हो जाता है। आप ब्लैक काजल तो हमेशा लगाती हूँ ना, एक बार वाइट लगा कर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है, लुक ही चेंज हो जाता है एकदम से। और फिर से वही वाला हम पर्पल टाइप वाला जो शेड थे ना, बस हल्का हल्का सा लाइटली लगा रहे हैं। आप देख सकते हो ना कितने आराम से लगा रही हूँ, ताकि ये ओवर ना लगे, ज़्यादा ना दिखे, बस लाइट, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लुक आ जाए। और यहाँ से मैंने पिक किया है वो ब्लू हेवन का, आप जानती हो ना जो आई शेडो पैलेट आता है, लिंक मैं सभी की दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसी में से मैंने थोड़ा सा लाइट शेड लिया और ब्लशर लगा रही हूँ जस्ट लाइटली। और फेवरेट तो मेरा जानते ही हैं सिज ब्यूटी का हाइलाइटर, जो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरा। तो बस इसको हल्के हल्के से हम हाईलाइटिंग कर लेंगे पूरे फेस पे, चिक पे, नोज़ पे, आईब्रो के नीचे,
और ये क्या है, 10 रुपीज़ की, क्या बोलती है इसको यार, लिप लाइनर 10 रुपीज़ की लोकल मार्केट में आराम से मिल जाती है एडीएस की है। और लिपस्टिक मेरी थोड़ी सी महंगी हो गई है, ये है पर्पल की, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारा सेड आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आया था इस लिपस्टिक के साथ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, अब हम पहन लेंगे हमारी ज्वेलरी, थोड़ा सा पफ अप बना के रेडी हो जाएंगे। तो कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पल्लो वल्लो भी करके आप लोगों को दिखा दिया है कि आप इस लुक के साथ चाहते हो ना तो आप पल्लो भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा लिया मेरा सिंदूर, टीका मैंने इसी वजह से नहीं लगाया ताकि मेरा सिंदूर दिखे। और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लुक, और ये रही मेरी ड्रेस कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोगों को कोई भी कमी नज़र आई हो ना तो वो भी बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी अगले बार से बेस्ट करने के लिए। आप लोग सजेस्ट करा करो ना यार, आप लोग सजेस्ट करते हो तो अच्छा लगता है। तो बस कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर, और ये वाला लुक मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो मेकअप वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। जितना भी कर लो।